हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा ALP और टेक्नीशियन के उन अभ्यर्थियों के लिए है जो OBC, SC और ST कैटेगरी से आते हैं। दोस्तों, तो इनका लाइव प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। एक छात्र का दोस्तों कि जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या बाहर कर देंगे दोस्तों, या फिर पुराना है या रेलवे के फॉर्मेट में नहीं है तो बाहर कर देंगे दोस्तों, और कितना पुराना संभावना हो सकती है कि वो चल जाए रेलवे के अंदर। इन सारी प्रोसेसों का हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का इस डॉक्यूमेंट के आधार पर दोस्तों। इसके बाद में आपका ये वीडियो भी आने वाला है फ्लैट फुट के ऊपर भी दोस्तों, काफ़ी आपका कन्फ्यूजन है इसका भी मैं बताऊँगा। तो पहले हम OBC सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये देख सकते हो आप, भारत सरकार, रेल मंत्रालय, RRB, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो सिलीगुड़ी है दोस्तों। 22 तारीख 22/6/2018 की डेट है आपका 01/2018 ALP टेक्नीशियन भर्ती है। तो इन्होंने उनको भेजा है जिनके रोल नंबर ये हैं दोस्तों, उस लड़के के, इस लड़के को भेजा है रिक्रूटमेंट बोर्ड से फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट जो सबमिशन हुए थे उनके आधार पर दोस्तों। तो इन्होंने क्या बोला, यू अपेयर फॉर द सीजन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड जीनियसन ऑफ कैंडिडेट कैंडिडेटरी। तो दोस्तों, ऑन 22 तारीख को ये उपस्थित हुए थे सी ग्रुप की पोस्ट के लिए, ALP कैटेगरी की C10/2018 के लिए दोस्तों। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 22 तारीख को उपस्थित हुए थे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सिलीगुड़ी के अंदर। तो इनको यहाँ पर फेल, मतलब ड्यूरिंग द अबाउ सीजन यू फेल्ड टू सबमिट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो इन डॉक्यूमेंट में दोस्तों फेल कर रहे हैं आपको कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप फेल हो सकते हो दोस्तों। तो इसके अंदर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो अगर आपके पास प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यानी कि 10th की मार्कशीट नहीं है तो आप फेल हो सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट इज नॉट रेस्पेक्ट फॉर्मेट नॉट साइन बाई अथॉरिटी टू एम्प्लॉयमेंट नोटिस। तो दोस्तों, जैसा ही कास्ट सर्टिफिकेट इन्होंने मांगा है उस फॉर्मेट में नहीं है, और जो साइन इन्होंने बताए हैं उसके साइन इसके ऊपर नहीं है जो आपकी नोटिफिकेशन आई थी उसके आधार पर। दोस्तों, ये भी आपका इश्यू है, इसके अंदर भी आपको बाहर कर सकते हैं वो। और अगला क्या है, करंट OBC सर्टिफिकेट विद नॉन क्रिमिनल स्टेटस हैज़ नॉट बीन सबमिटेड। तो मतलब क्या दोस्तों कि इन्होंने फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम में, ये OBC की सर्टिफिकेट नॉन क्रिमिनल में थे या नहीं थे, अभी वो उपस्थित हैं और अभी आपका प्रमाण पत्र OBC का उपस्थित नहीं करा पाए हैं तो आपको फेल किया जाता, तीसरा कारण है दोस्तों। तो चौथा क्या, इसमें NOC सर्टिफिकेट नहीं देते हो आप, अगर आपने फॉर्म भरते टाइम ये डाल दिया है कि इन सर्विस फॉर्म फिलअप कर रहे हो और आपको आपने उनको NOC नहीं दिया है तो आपको वहाँ पर वो फेल कर सकते हैं दोस्तों। चार कारण, नंबर पांचवा डॉक्यूमेंट है दोस्तों आपका फाइनल एजुकेशन टेक्निकल सर्टिफिकेट इश्यूड बाय बोर्ड यूनिवर्सिटी हैज़ बीन नॉट सबमिटेड। तो दोस्तों, जो भी आपके पास फाइनल एजुकेशन है जैसे कि ITI, टेक्निकल डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग जो भी है वो आप सबमिट नहीं करते हो तो दोस्तों आपको बाहर कर सकते हैं। ये पाँच नंबर पॉइंट ये है आपका। तो 6, 7, 8, ये तीनों पॉइंट इन्होंने खाली छोड़े हैं। अगर आपके पास अदर कोई डिप्लोमा है और उसके अंदर आपको प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पर लिख के, जैसे इस लड़के को लिखा है, आपको बाहर कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका क्या आगे क्या लिखा है, प्रीवियस OBC सर्टिफिकेट हैज़ नॉट बीन, आगे का दोस्तों कुछ समझ में नहीं आया। तो दोस्तों, मतलब यही है, इन्होंने जो OBC सर्टिफिकेट जमा करवाया है वो यानी कि सही नहीं है दोस्तों। तो इसका, इसे बाहर नहीं किया गया है इस कैंडिडेट को। ये दोस्तों अच्छी खबर है रेलवे की तरफ से आप सभी के लिए। यू आर देयर फॉर एडवाइस टू प्रोड्यूस दिस सेम इन ओरिजिनल अलोंग विद टू फोटो सेट ऑफ फोटो स्टेट कॉपी ड्यूअल अटेस्टेड बाई गजट गजट ऑफिसर विद इन 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ दिस लेटर टू RRB सिलीगुड़ी, फीलिंग मच योर कैंडिडेसी विल बी कैंसल्ड। तो दोस्तों, इसमें प्रिंटेड था कि 30 दिन के अंदर जो भी आपने सर्टिफिकेट का इन्होंने टिक लगाया है वो इनको देना है, वरना आपकी अभ्यर्थिता है वो रद्द कर दी जाएगी दोस्तों। पर यहाँ पर इन्होंने 30 दिन का टाइम ना देकर दोस्तों इसे काट कर 15 दिन का टाइम ही इस लड़के को दिया कि 15 दिन के अंदर इनको OBC का सर्टिफिकेट जिसके अंदर इसको बाहर किया है उसको जमा करवाना होगा। तो
तो दोस्तों आपको पता लग गया अभी कौन से डॉक्यूमेंट में वो बाहर कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी बाहर नहीं कर रहा है आपको बाहर। तो दोस्तों इसमें भी आपका है कि फर्स्ट पैनल में जगह नहीं बनेगी दोस्तों, क्योंकि फिर भी अगर 15 दिन का टाइम दिया है तो 15 दिन सिलीगुड़ी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा, उसके बाद में उसको ऐड कर लेंगे इसी के अंदर। इस फर्स्ट पैनल में भी इसका नाम आ सकता है अगर 15 दिन के अंदर ये जमा करवा देता है दोस्तों। तो ये आप देख सकते हो, ये आपका प्रोसेस है आपका 22/6/2019 असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफ चेयरमैन RRB रिक्रूटमेंट बोर्ड सिलीगुड़ी। तो दोस्तों ये पूरा ये नोटिस आपका बता दिया हूँ मैं, इसके अंदर आपका सारा कुछ। तो दोस्तों अगर आपके पास अभी भी टाइम है तो OBC का सर्टिफिकेट आप 6 महीने से ज़्यादा पुराना ना बनवाएं, 6 महीने से ज़्यादा पुराना है तो बनवा लें दोस्तों, 2 से 5 दिन में आपका बन जाएगा। अगर दोस्तों आप राजस्थान से हो या फिर किसी भी से भी हो, ऑनलाइन है आपका ई मित्र वाला या फिर ऑनलाइन बनता है वो है दोस्तों, आपके पास 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं हो दोस्तों तो वो चल जाएगा, क्योंकि आप रेलवे का फॉर्मेट है और आपका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आप दोनों मिलान कर लीजिएगा, दोनों के अंदर सेम सारा कुछ लिखा हुआ है दोस्तों, तो आपका वो चल जाएगा इंग्लिश वाला दोस्तों, इंग्लिश वाला अगर आपके पास है तो। दोस्तों ये तो आपका OBC प्रमाण पत्र है दोस्तों। अगर नहीं भी है आपके पास तो आप ई मित्र से या फिर नया बनवा लें, उसके बाद में उसकी फोटोकॉपी और आपके जो डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड वगैरह, 10th की मार्कशीट या फिर परिवार का राशन कार्ड ये लगाकर आप तहसीलदार या SDM के ऑफिस में जमा करवा दें, SDM से बनवा लें, वहाँ पर वो तुरंत आपको बनवा देंगे रेलवे के फॉर्मेट में दोस्तों। ये तो आपका OBC का प्रमाण पत्र का रहा। और दोस्तों आपका SC ST का दोस्तों आपका प्रमाण पत्र चल जाता है, 3 साल पुराना भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उनके लिए ज़्यादा समस्या नहीं आ रही है, ज़्यादा समस्या OBC वालों के लिए है। तो ये OBC के रिगार्डिंग जो न्यूज़ थी वो आपके साथ शेयर की है। तो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों आगे की अपडेट और भी कुछ डॉक्यूमेंट के संबंधित अपडेट आती है फिर मेडिकल के संबंधित, तो आपको सबसे पहले प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चैनल के सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ जुड़े रहें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।